गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, ऑलवेज मेक योर डे अ ग्रेट वन बिकॉज इट इज गॉड्स गिफ्ट फॉर अ न्यू बिगनिंग, ब्लेसिंग एंड होप। स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी विल डू लेसन 12 मेजरमेंट। सो ओपन लेसन 12 मेजरमेंट। In our previous video, we did question 4 of exercise 12.3, quick check, and question 1 and 2 of exercise 12.4. In today's video, we will do question 3 and 4 of exercise 12.4, given on page number 147. So, open page 147. Beta, first of all, we will revise definition of capacity. The amount of liquid a container can hold is called its capacity. एक container जितना liquid ले सकता है वो उसकी container की capacity होती है. Okay? और बेटा, मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं. 1 लीटर has 1000 मिलीलीटर्स. बेटा, आपको रियल जूस पीना अच्छा लगता है ना? ये 1 पैक है रियल जूस का, ये 1 लीटर का पैक है. मामा घर में लेके आती है ना 1 लीटर का पैक. आप देख रहे हैं यहाँ लिखा होता है 1 लीटर. अभी मैम ने बताया 1 लीटर हैज 1000 मिलीलीटर्स. अब बेटा, अगर मामा 2 पैक्स लेकर आती हैं तो कितना होगा जूस उसमें? 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 2 लीटर्स है ना. और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. 1000 मिलीलीटर प्लस 1000 मिलीलीटर इज 2000 मिलीलीटर. और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 को आप 1000 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000 मिलीलीटर्स. नाउ बेटा, अगर मामा आपकी 3 पैक्स लेकर आएंगी तो उसमें कितना जूस होगा? 1000 मिलीलीटर प्लस 1000 मिलीलीटर इज 2000 मिलीलीटर. 2000 मिलीलीटर प्लस 1000 मिलीलीटर इज 3000 मिलीलीटर्स. और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं ना. 3 × 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर्स. अब बेटा, अगर मामा 6 पैक्स लेकर आती है तो कितना जूस है 6 पैक्स में? 1000 मिलीलीटर प्लस 1000 मिलीलीटर इज 2000 मिलीलीटर. 2000 मिलीलीटर प्लस 1000 मिलीलीटर इज 3000 मिलीलीटर. 3000 मिलीलीटर प्लस 1000 मिलीलीटर इज 4000 मिलीलीटर. 4000 मिलीलीटर प्लस 1000 मिलीलीटर इज 5000 मिलीलीटर. 5000 मिलीलीटर्स प्लस 1000 मिलीलीटर्स इज 6000 मिलीलीटर्स. या आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. 6 × 1000 मिलीलीटर, योर आंसर इज 6000 मिलीलीटर्स. नाउ बेटा, वी विल डू एक्सरसाइज 12.4 गिवन ऑन पेज नंबर 147. दिस इज योर क्वेश्चन 3, कन्वर्ट टू लीटर्स. आपको इनको लीटर्स में कन्वर्ट करना है. वी विल डू ए बी सी एंड डी पार्ट्स एंड यू विल डू ई पार्ट योरसेल्फ. बेटा, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.4, कन्वर्ट टू लीटर्स. आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है. ओके, जैसे आपने किलोमीटर्स वाले में किया था और किलोग्राम्स वाले में किया था ना, मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज किया था और ग्राम्स को किलोग्राम्स में, बिल्कुल सेम स्टेप्स हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे. ओके, जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं बेटे? डिवाइड करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, 1 लीटर हैज हाउ मेनी मिलीलीटर्स? 1 लीटर हैज 1000 मिलीलीटर.
आपको देखना है कि थाउजेंड प्लेस पर कौन सी डिजिट है। और यहाँ पर थाउजेंड प्लेस पर क्या है? थ्री। अब थाउजेंड प्लेस की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है ना, थ्री थाउजेंड इज 3000। और साथ में क्या लिखेंगे? मिली लीटर प्लस 459 मिलीलीटर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे बेटे क्या करना है आपको? 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे ना, और बेटे स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट की 3000 डिवाइडेड बाय 1000 ब्रैकेट क्लोज। नाउ मिलीलीटर चेंजेस इनटू लीटर, ओके, प्लस 459 मिलीलीटर। इसको आप ऐसे जैसे लिखोगे, ओके। नाउ टेल मी, 1000 के टेबल में 3000 कहां पर आ गए? 1000 पिज़्ज़ा 3000, सो यू विल राइट 3 लीटर प्लस 459 मिलीलीटर। सो योर आंसर इज 3 लीटर 459 मिलीलीटर। नाउ दिस इज योर बी पार्ट। इन बी पार्ट यू हैव टू कन्वर्ट 1005 मिलीलीटर इनटू लीटर्स। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको देखना है ना कि 1000 प्लेस पर कौन सा डिजिट है। बताइए यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या है? 1। अब आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे ना। अब मुझे बताइए 1000 इज 1000, और साथ में क्या लिखेंगे बेटे? यू विल राइट मिलीलीटर्स। अब बेटे आपके पास क्या बचा? 005 मिलीलीटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा? 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे ना, ब्रैकेट स्टार्ट 1000 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर चेंजेस इनटू लीटर्स एंड यू विल राइट प्लस 005 मिलीलीटर। ओके, नाउ बेटा टेल मी, 1000 की टेबल में 1000 कहां पर आता है? 1000 1000, सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 1 लीटर प्लस 005 मिलीलीटर। ओके, सो योर आंसर इज 1 लीटर 005 मिलीलीटर। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? 1 लीटर 5 मिलीलीटर। ओके, बहुत ही समझा, क्लियर टू यू? ओके, नाउ बेटा दिस इज योर सी पार्ट। सी पार्ट इज 5098 मिलीलीटर्स को आपको लीटर्स में चेंज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको 1000 प्लेस की डिजिट देखनी है ना। यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या है? 5। बेटा आप 5 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे ना, 5000 आए 5000, और साथ में क्या लिखेंगे? मिलीलीटर्स प्लस 098 मिलीलीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 5000 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 5000 डिवाइडेड बाय 1000, और मिलीलीटर किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? लीटर्स में। और क्या लिखेंगे? 098 मिलीलीटर। अब बेटे बताइए 1000 के टेबल में 5000 का
9 liter plus 0.98 milliliter. So your answer will be 5 liter 0.98 milliliter. Now beta, this is your D part. In D part you have to convert 5000 milliliters into liters. First step क्या है? आप देखेंगे कि 1000 place पर कौन सी digit है? यहाँ पर 1000 place पर 5 है ना बेटे? Okay? What will you write? 5000 is 5000. And you will write milliliters plus 000 milliliter. Okay? What will you do now? You will divide 5000 with 1000. 5000 divided by 1000. Okay? Now milliliter changes into liters plus 000 milliliters. अब बेटा बताइए 1000 के टेबल में 5000 कहाँ पर आता है? 1000 5s are 5000. So you will write 5 liters plus 000 milliliters. Okay? So your answer is 5 liters 000 milliliters. और कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको आप 5 liters भी लिख सकते हैं. Okay? Both these sums are clear to you? Now you will do E part yourself. Beta, this is your fourth question. Convert to milliliters. आपको liters और milliliters को milliliters में change करना है. अब बेटे 6 liter और 3 liter का मैंने slide पर समझाया था ना आपको A और B part. Now we will do C and D parts. Okay? And you will do E part yourself. Now beta, this is your C part of question 4. Convert to milliliters. आपको liters milliliters को milliliters में convert करना है. C part is 5 liter 220 milliliters. अब beta इसको आप कैसे करेंगे? जैसे आपने किलोग्राम्स और ग्राम्स को ग्राम में चेंज किया था ना, और किलोमीटर्स और मीटर्स को मीटर्स में चेंज किया था, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे. ओके? यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है? आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करें. ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एड प्लस साइन बिटवीन बोथ दीज क्वांटिटीज. 5 liter plus 230 milliliters. अब बेटा ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर्स में है ना, इसको आपको मिलीलीटर्स में चेंज करना है. तो आप क्या लिखेंगे? 5 multiply 1000 milliliters plus 230 milliliters. ओके? Now tell me what is 5000s are? 5000s are is 5000. 5000 milliliters plus 230 milliliters. Now you will add both these quantities now. 5000 me are. Kya plus karenge beta? 230 को प्लस करेंगे. 0 प्लस 0 इज 0. 0 प्लस 3 इज 3. 0 प्लस 2 इज 2. एंड यू विल राइट 5 हियर. सो योर आंसर इज 5230. Now beta, this is your D part.
In D part, you have to convert 8 liter 940 milliliters into milliliters. ठीक है? First step क्या है? आप दोनों quantities के बीच में plus sign डालेंगे ना? Okay? You will write 8 liters plus 940 milliliters. Next step क्या है? आप लीटर्स को मिलीलीटर्स में चेंज करेंगे ना, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. 8 मल्टीप्लाई 1000. अब मुझे बताइए यहाँ पर आप लीटर्स लिखेंगे या मिलीलीटर्स लिखेंगे? Here you will write milliliters. Very good. Plus 940 milliliters. Now beta, tell me what is 8000 sa? 8000 sa is 8000. Aur saath mein kya likhenge? Milliliters plus 940 milliliters. Now you will add both these quantities na? Add kijiye 8000 plus 940. 0 plus 0 is 0. 0 plus 4 is 4. 0 plus 9 is 9. Here 8 will come now. So your answer is 8940 milliliters. Both these sums are clear to you? Okay, now you will do E part yourself. Now beta, I will tell you 10 steps to happiness. Happiness के लिए 10 steps कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ. Hate less, love more. Worry less, dance more. Take less, give more. Consume less, create more. Frown less, smile more. Talk less, listen more. Fear less, try more. Judge less, accept more. Watch less, do more. Complain less, appreciate more. अगर बेटे आप ये 10 steps follow करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.